दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की। जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित बुक स्टॉल से गत रात्रि चोरों ने करीब 8,000 रुपए की किताबों को चुरा लिया। बुक स्टॉल मालिक राजेश शर्मा ने चोरी की सूचना जीआरपी को दी। स्टॉल मालिक ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उनकी बुक स्टॉल के साथ ही रेहड़ी पर किताबें बेची जाती हैं। रात में उसका नौकर राहुल तिवारी स्टॉल को तरपाल से ढककर घर चला गया था और जब सुबह आकर देखा तो किताबें वहां नहीं थी। वहीं इससे संबंधी एएसआई सुरेंद्र सिंह का कहना है कि वे इस मामले की जाँच कर रहे हैं। राजेश शर्मा मेरा नाम है। रात को लड़का बंद करके गया था, सुबह जैसे मॉर्निंग सडन नहीं आया, हम 4:30 बजे आए थे यहाँ से, देखा कि तरपाल हमारी उठी हुई थी, क्योंकि जैसे हम बंद करके जैसे वैसे कि वैसे दोबारा उसने बंद कर दी थी। हमने आके अपना सामान चेक किया तो इंपॉर्टेंट जो मैगजीन थी इंग्लिश वाली वो सारी उठाई गई थी, जिनका नियर अबाउट प्राइस है 150-200 रुपया रेट। बल्कि कहने का मतलब वाव ये बनता है कि जो बेचती था उसको जिसको नॉलेज थी हमें क्या क्या माल पड़ा वो उठा कर गया, 8-9 हज़ार रुपये का हो गया।